चेन्नई के सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल 14 के शुरुआती तीन मैचों में फ्लॉप रहने के बाद फॉर्म में लौट आए। लगातार तीन पारियों में फेल होने के बाद कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ मैच में उनको जगह देने पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन इस खिलाड़ी ने अर्धशतकीय पारी खेलकर सबकी बोलती बंद कर दी। उन्होंने 64 रन की आक्रामक पारी खेली। 24 साल के गायकवाड़ ने इस सीजन के पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 5 रन बनाए, फिर पंजाब के खिलाफ 5 और राजस्थान के खिलाफ 10 रन बनाए। वही तीन मैचों में उनका सिर्फ 20 रन दर्ज थे, लेकिन सीएसके की टीम ज्यादा बदलाव नहीं करने पर विश्वास करती है और इस कारण ऋतुराज को एक और मौका दिया गया। वही गायकवाड़ ने 42 गेंदों पर 64 रन बनाए। उन्होंने 6 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए। ओवरऑल T20 का उनका ये 10वां दशतक रहा। उन्होंने फाफ डुप्लेसी के साथ पहले विकेट के लिए 115 रनों की साझेदारी भी की। वहीं इस मैच में पहले तक उन्होंने T20 में 42 मैचों में 31 के औसत से 1161 रन बनाए थे। वहीं गायकवाड़ ने पिछले सीजन के अंतिम तीन मैचों में अर्धशतकीय पारी खेलकर सबका ध्यान खींचा था। वहीं इस सीजन में 3 मैच में नाकाम होने के बाद गायकवाड़ ने कहा था कि महेंद्र सिंह धोनी ने मुझसे कहा कि मैं अपने क्रिकेट का आनंद लूं और नतीजे के बारे में ना सोचूं, शांत रहूं। एक बार मैंने अपनी आंखें जमा ली तो उन पर भरोसा था कि मैं छाप छोड़ने में सफल रहूंगा। वहीं गायकवाड़ ने कहा कि मुझे लगता है कि वो मेरे लिए अच्छा रिमाइंडर था, क्योंकि मैं उससे पहले सिर्फ नतीजे के बारे में सोच रहा था। वही आईपीएल 14 के 15वें मैच में केकेआर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सीएसके ने पहले बैटिंग करते हुए शानदार शुरुआत की। फाफ डुप्लेसी और गायकवाड़ की अर्धशतकीय पारी की बदौलत सीएसके ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 220 रन बनाए। जवाब में केकेआर की टीम ने 19.1 ओवर में 202 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई और मैच हार गई। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।